मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो हिंदी में आप लोगों का एक लिखूँ बादल, वहाँ तक हो गया था। उसके नेक्स्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर में आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन आंसर। वन नंबर में सोच समझ कर बताइए, मौखिक है। धरती की प्यास कौन बुझाते हैं? धरती की प्यास बादल बुझाते हैं। बादल फूल कैसे खिलाते हैं? तो बादल का पानी जब धरती पर आता है तब उस फूल जो है सो खिलते हैं। पेड़ों पर जब पानी जाता है तो फूल खिलते हैं। मोर कब नाचते हैं? बारिश होने पर मोर नाचते हैं। टू नंबर में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन नंबर में बादल किसकी प्यास बुझाते हैं? जानवरों, धरती, पक्षियों। धरती की प्यास बुझाते हैं, टू नंबर में टिक कर लेंगे। खाना में है गड़गड़ शोर कौन मचाता है? झरना, धरती, बादल। गड़गड़ शोर बादल मचाता है, तो थ्री नंबर में बादल टिक कर लेंगे। ग नंबर में है डैश को नचाने वाले हैं घोड़ों, मोरों, बंदरों। किसको नचाना है? बादल किसको नचाता है? मोरों को, तो मोरों में टू नंबर में टिक कर लेंगे और यहाँ भर भी लेंगे। ग नंबर है गर्मी दूर कौन भगाते हैं? बादल, पर्वत, नदी। बादल गर्मी दूर भगाते हैं, तो वन नंबर में टिक कर लेंगे। थ्री नंबर है उच्चारण कीजिए, बस पढ़ने के लिए दिया हुआ है, पढ़ लेंगे इसको। धरती, नदियों, बिजली, दौड़े, बहलाने, गर्मी, पतंग, मस्ती, चमकाए, प्याले, ये सब पढ़ने के लिए है। फिर खंड ख में है लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बादल धरती की प्यास कैसे बुझाते हैं? तो धरती पर पानी बरसाकर बादल धरती की प्यास बुझाते हैं। ख नंबर में है कि बादल क्या क्या करते हैं? तो बादल धरती की प्यास बुझाते हैं, नदियों में पानी लाते हैं, फूल खिलाते हैं, मोर को नचाते हैं, हाथी घोड़ा बन जाते हैं और सबका मन बहलाते हैं। यही दो क्वेश्चन आंसर था। टू नंबर में है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। बिजली, तो इधर से आपको याद होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, और नहीं तो देख के, जैसे बिजली को चमकाए हम, गड़गड़ शोर मचाए हम। यहाँ लिखेंगे बिजली लिखा हुआ, उसके बाद लिखेंगे को चमकाए हम, गड़गड़ शोर और मचाए हम लिखा हुआ है। फिर है मोरों को नचाने वाले हैं हम, बादल काले काले हैं। फिर थ्री नंबर में सही मिलान कीजिए, एक करके दिखाया गया है, इधर का उधर। ख नंबर दौड़े का छोड़े, जो फर्स्ट नंबर में है। ग का प्याले, प्याले का काले, बुझाते, लाते। और अंग नंबर में वन, वन का मन। तो बस आपको ये बादल चैप्टर का यही सोच समझ कर बताइए, इसको मौखिक ही करना है और इन सबको बुक में भी कर लेना है और कॉपी में लिख के याद कर लेना है। कुछ नहीं, थैंक यू।